आज करवा चौथ है और करवा चौथ पे हर साल ये मेरे लिए एक नई मिठाई जरूर बनाते हैं। वैसे तो ये रेसिपी मेरे लिए हमेशा सरप्राइज रहती है, पर इस बार हम दोनों मिलकर ब्रेड की बहुत अच्छी रेसिपी बनाएंगे। ये मिठाई बहुत ही आसानी से बन जाएगी और यदि कोई बिगनर भी अपने घर में बनाएगा तो परफेक्ट ही बनेगी। तो आइए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है जो मोटे पैदे का है और ये नॉन स्टिक है। इसमें एक कप दूध डाल देते हैं, ये भैंस का दूध है। इस दूध के अंदर में एक टीस्पून घी डाल देते हैं। इसी के साथ इसमें हाफ कप मिल्क पाउडर डाल देते हैं। कोई भी ब्रांड का आप मिल्क पाउडर ले सकते हैं और इसको इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अभी तक मैंने गैस चालू नहीं किया है, ठंडे में ही इसको सबको मिक्स करना है। ठंडे में करने से क्या है कि इसमें गुठली नहीं रहेगी और अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ये नॉन स्टिक पैन लिया है। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो आप स्टील का पैन या पीतल का पैन ले सकते हैं, पर ध्यान रखना है कि इसका जो पैंदा है वो थोड़ा मोटा होना चाहिए, नहीं तो दूध चिपकेगा। और उसको यूज करने से पहले घी से ग्रीस करिए। घी से ग्रीस करने के बाद में ही उसमें दूध डालिए तो आपका दूध अंदर चिपकेगा नहीं। देखो इसको ठंडे में डाला है तो इसमें मिक्स जल्दी हो रहा है। अगर गरम गरम दूध में डालते हैं ना तो गुठली जल्दी पड़ जाती है और वो गुठली डिजॉल्व होने में टाइम लगता है। इस तरह से मैंने 2 मिनट तक इसको मिक्स कर लिया और ये काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। थोड़ी बहुत ये इसमें गुठली है, वो अभी इसको गर्म करना रखेंगे तब ये डिजॉल्व हो जाएगी। तो आइए इसको धीरे आँच में गैस के ऊपर रख देते हैं और इसको लगातार चलाते हुए गर्म करेंगे। अभी तक मैंने इसको 1 मिनट तक ही गर्म किया है और आप देख सकते हैं कि मिल्क पाउडर है वो अच्छी तरह से डिजॉल्व हो गया है। इसमें अभी बॉईल चालू हो गया है और इस समय हम आँच को थोड़ा और धीरे कर देते हैं और हम इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए गाढ़ा कर लेते हैं। जब तक ये दूध गाढ़ा कर रहे हैं तब तक यहाँ पर मैंने 5 स्लाइस ब्रेड के लिए हैं। ये मैंने मैदे वाली ब्रेड ली है, आप चाहते इसकी जगह पे आटे वाली ब्रेड भी ले सकते हैं, पर मैदे वाली ब्रेड से इसका लुक ज्यादा अच्छा आएगा, स्वाद में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इस ब्रेड का जो ब्राउन वाला पार्ट है उसको हम निकाल लेते हैं क्योंकि हमें आज एकदम व्हाइट ही बनाना है। ध्यान रखें जब तक मैं ब्रेड को काट रही हूँ साइड में ये दूध को लगातार चला रहे हैं जिससे दूध है कढ़ाई में चिपके नहीं। यहाँ पर मैंने फ्रेश ब्रेड का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो एक दिन पुरानी ब्रेड फ्रिज में रखी हुई हो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ब्रेड फ्रिज में रखी हुई होनी चाहिए। इस तरह से मैंने सभी ब्रेड के एजेस काट ली हैं और जो ये साइड वाला पार्ट बचा है इसके हम क्रम्स बना करके सेक करके रख देंगे। अब इन ब्रेड के पीसेस को हम रफली तोड़ करके मिक्सी के जार में डाल देंगे। ब्रेड से बनी हुई वैसे मैंने चैनल पे बहुत सारी रेसिपी बताई है। ये मिठाई यदि आप मार्केट से लेंगे तो बहुत ही महंगी मिलेगी और घर में ये बहुत सस्ती बन जाती है। अभी ढक्कन लगा के इसके क्रम्स बना लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं क्रम्स कितने वाइट बने हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं। जब तक हमने क्रम्स बनाए तब तक आप देख सकते हैं दूध भी काफी गाढ़ा हो गया है। इस स्टेज में इसमें शक्कर डाल देते हैं। मैंने इसमें डालने के लिए 1/3 कप शक्कर ली है। अगर आप चाहें तो शक्कर की जगह मिश्री भी डाल सकते हैं, मिश्री को थोड़ा कूट के डालिए। आप देख रहे हैं शक्कर डालने के बाद में ये दूध वापस थोड़ा सा पतला हो गया है। अब इसको हम कंटिन्यूसली चलाते रहते हैं। इसी के साथ साइड में मैंने इलायची के 4 पीस लिए हैं, आप चाहते इसकी जगह पर इलायची का पाउडर भी ले सकते हैं, पर क्या इलायची के फ्रेश पीस इसमें डालते हैं तो इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैं इलायची डाल रही हूँ, इसकी जगह पे आप चाहे तो गुलाब जल भी डाल सकते हैं या केसर भी डाल सकते हैं, जो भी फ्लेवर इस मिठाई में आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। इस तरह से इलायची के हम दाने निकाल लेंगे और इसको हम रफली कूट लेंगे। आप देख पा रहे इसके थोड़े से दाने क्रश हुए हैं, थोड़ा हमें और करना पड़ेगा। फ्रेश दानों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इस तरह से मैंने सभी दानों को क्रश कर लिया है। इसके दाने ज़्यादा महीन भी नहीं है और मोटे भी नहीं है। अभी आप देख पा रहे हैं शक्कर अच्छी तरह से डिजॉल्व हो गई है और ये काफी गाढ़ा हो गया है। तो इस स्टेज पर हम इसमें कूटी हुई इलायची डाल देते हैं और दूध करीब गाढ़ा होके आधा हो गया है। इस स्टेज में इसमें जो हमने ब्रेड क्रम बनाया है वो डाल देते हैं। ब्रेड क्रम को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको कंटिन्यूसली चलाते रहते हैं। इस तरह से हमने पूरा ब्रेड क्रम इसमें डाल दिया है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसका टेक्सचर आप देख रहे हैं एकदम कलाकंद जैसे दिख रहा है और एक रोल बनने लग रहा है। तब तक साइड में यहाँ पर हम बटर पेपर ले लेंगे। बटर पेपर आपके पास नहीं है तो कोई भी प्लास्टिक शीट ले सकते हैं, पर वो क्लीन होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। अभी इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगा देते हैं, आप चाहे तो तेल भी लगा सकते हैं। इस तरह थोड़ा सा लगा देंगे तो अच्छे से रोल होगा। यहाँ पर मैंने घी लगाया है, आप चाहे तो तेल भी लगा सकते हैं, पर मिठाई बना रहे हैं थोड़ा सा घी लगाने से उसका स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है।
अभी साइड में ये भी अच्छी तरह से पक गया है, अभी हम गैस को बंद कर लेंगे और इसको बटर पेपर के ऊपर ट्रांसफर कर लेंगे। एक बार इसको इस तरह से मिक्स कर लेते हैं, ये बहुत गर्म है, इस तरह से मिक्स करने से लुक आप देख पा रहे हैं एकदम कलाकंद के जैसे ही आया। ये मिठाई बहुत इजीली बनती है, स्वाद में बहुत अच्छी आती है, इसमें ब्रेड का टेस्ट भी नहीं आता। जिस तरह से काजू कतली बनाने के समय डो को मिक्स करते हैं उसी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। आप देख पा रहे हैं इसको मैं डायरेक्टली हाथ नहीं लगा रही हूं क्योंकि बहुत ही गर्म है, बटर पेपर से ही हमारे को इसे पुश करना है। अभी इसको मैंने 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लिया है और हल्का सा इसे ठंडा कर लेंगे और ठंडा होने के बाद में इसे अभी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे पूरा ठंडा नहीं करना है, हल्का सा गर्म रखना है, इसे आराम से मिक्स हो जाएगा। देखिए इस तरह से आप मिक्स कर लें। अभी इसको हम बोर्ड पर ले लेते हैं और अच्छे से रोल कर लेते हैं। देखिए आराम से इसके रोल बन गया, अच्छा स्मूथ रोल बन गया। देखिए अभी इसका लुक इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़े पिस्ते लिए हैं, तो पिस्ते को इस तरह से इधर डाल देते हैं। ये पिस्ते डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, यदि आपके पास चांदी का बर्फ हो तो वो भी लगा सकते हैं और गोल गोल इसके ऊपर घुमाएं। यहाँ मैं आपको याद दिला देती हूँ कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताएं। और इसी के साथ आज करवा चौथ है, तो आपने आज अपने घर में कौन सी रेसिपी बनाई है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। इस तरह से मैंने इसके ऊपर पिस्ते लगा दिए, ये आराम से चिपक जाएंगे। अभी पिस्ते लगाने के बाद में जिस बटर पेपर को हमने लिया था उसके अंदर इसको रख देते हैं और इसे अच्छे से रोल करके थोड़ी देर के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। 10 से 15 मिनट आप फ्रिज में रखेंगे तो अच्छे से ये सेट हो जाएगा। अभी इसे फ्रिज में रखे हुए लगभग 15 से 20 मिनट हो गए हैं, ये काफ़ी फॉर्म हो गई है। अभी इसको हम निकाल देते हैं, आप देख पा रहे इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा है। इसे हमने ज़्यादा कड़क नहीं किया है क्योंकि इसे हम कलाकंद की तरह बना रहे हैं, तो कलाकंद की तरह थोड़ा सॉफ्ट टेक्सचर होना चाहिए, इसे दिखने में भी अच्छा लगे। अभी इसको हम इस तरह से काट लेंगे, ये स्मूथली कट रही है। देखिए टेक्सचर आप देख पा रहे हैं कितना स्मूथ आ रहा है। मैं इसे लगभग आधे इंच का काट रही हूँ, आप अपने हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा भी काट सकते हैं। एक मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए दिखने में कितना सुंदर लग रही है। ये मिठाई देख करके या खा करके कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि आपने ब्रेड से बनाकर तैयार किया है। इस मिठाई का टेक्सचर कलाकंद जैसे और स्वाद मावे की बर्फी जैसे है और हमारे इस रेशियो में यह मिठाई बहुत ही किफायती दामों में करीब 350 ग्राम बनी है। तो इस तरह से बनी ये मिठाई यदि आप फ्रिज में रखेंगे तो 8 से 10 दिन भी खराब नहीं होती है, पर स्वाद में इतनी अच्छी बनती है कि 8 से 10 दिन आपके घर में चलेगी भी नहीं। तो आप भी अपने घर में इस करवा चौथ पर ये मिठाई जरूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।